टॉपिक अपना टॉपिक जो चल रहा था दोस्तों, वो चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स है यानी आकृतियों की संख्या है वो गिनना, उसमें अपन त्रिभुजों की संख्या गिनने वाला पार्ट्स है वो अध्ययन कर रहे थे दोस्तों। यहां पे आकृतियों की संख्या गिनना ये अपन अध्ययन कर रहे थे। आकृतियों की संख्या गिनना है वो अपन अध्ययन कर रहे थे। तो एक बार आप क्लास को थोड़ा शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉफिट हो सके इसका। और आवाज आ रही है क्या, एक बार कमेंट कीजिएगा। हाँ भाई, आवाज आ रही है आप तक? चलो तो अपन चलते हैं यहां पे। सबसे पहले क्वेश्चन पर अपन परिचर्चा करते हैं। कल अपन ने त्रिभुजों की संख्या गिनना अध्ययन किया था, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो अपन यहां पे अध्ययन करते हैं, समझिएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो आपको कह रहा है दोस्तों, दी गई आकृति में यहां पे त्रिभुज कितने हैं। ये चीज आपको कह रहा है कि इस दी गई आकृति है उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इस आकृति में अपने पास दोस्तों ये यहां पे तीन माध्यिकाएं हैं वो अपने पास बनी हुई है। जब एक त्रिभुज को तीन माध्यिकाएं हैं वो अपने पास यहां पे प्रतिच्छेद करती है, तो अपने त्रिभुजों की संख्या है वो अध्ययन की थी कल, कितनी अध्ययन की थी? 16। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। यानी यहां पे त्रिभुजों की संख्या है वो अपने पास अपन फाइंड आउट करते हैं, 4, 5, 6। ये अपने पास एक एक के अपने पास त्रिभुज बन रहे थे, वो बन रहे थे दोस्तों 6। दो दो के त्रिभुज बनाएंगे तो 1+6, 2+3, 4+5, दो दो के त्रिभुज बनेंगे वो आपके पास बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। और एक माध्यिका अपनी बात हुई थी कि एक माध्यिका है वो दो त्रिभुज बनाती है, एक तो बाएं भाग में, एक आपको बता रहा है दाएं भाग में। तो तीन माध्यिका है, तीन माध्यिकाओं द्वारा निर्मित त्रिभुजों की संख्या 3 × 2 कितनी हो जाएगी? 6। और एक पूरा बड़ा त्रिभुज बन जाएगा तो अपने पास टोटल हो जाएंगे 6+3 9 और 6 15 और एक कितना हो जाएगा? 16। टोटल त्रिभुजों की संख्या है वो आपके पास कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। नेक्स्ट, यहां पे अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। तो इस यहां पे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देर इन द गिवन फिगर्स, यानी इस दिए गए चित्र में यहां पे कितने त्रिभुज है। तो कल अपन ने इसी टाइप का अध्ययन किया था दोस्तों। ये अपने पास आकृति है वो इसी रूप में अध्ययन की थी, केवल आकृति को आज अपन ने रोटेट कर रखा है। यहां पे इसमें त्रिभुजों की संख्या है वो आपसे पूछी है, तो त्रिभुजों की संख्या 1, 2, 3, 4, ये अपने पास 4 पार्ट्स बन रहे हैं। कितने पार्ट्स बन रहे हैं? 4 पार्ट्स बन रहे हैं। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? मैंने आपको बताया इन पार्ट्स का योग कर देंगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6+4 10। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या है वो टोटल आपके पास आएगी दोस्तों, कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। नेक्स्ट, अगला यहां पे इसमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी अपन परिचर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? ये अपने पास स्टार दे रखा है। स्टार में दो टाइप के क्वेश्चंस है वो आपको पूछे जाते हैं दोस्तों। एक तो अपने पास यहां पे ये त्रिभुज बन रहा है, दूसरा ये वाला बन रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 त्रिभुज बन रहे हैं, 6 कॉर्नर है, तो 6 तो ये त्रिभुज बन जाएंगे, प्लस यहां पे दो त्रिभुज अपने पास जो बनेंगे वो अपने पास बन जाएंगे बड़े वाले त्रिभुज। 6 तो ये हो गए, एक त्रिभुज ये 7। नेक्स्ट, यहां पे एक त्रिभुज आपके पास बन रहा है ये बड़े वाला, तो 6 कॉर्नर वाला जब स्टार होता है तो इसमें त्रिभुजों की टोटल संख्या होगी वो आपके पास दोस्तों हो जाएगी, त्रिभुजों की टोटल संख्या है वो आपके पास कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। यहां पे त्रिभुजों की टोटल संख्या है वो आपके पास दोस्तों कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है वो आपके पास 8 हो जाएगी। नेक्स्ट, आगे अपन चलते हैं। अगला यहां पे क्वेश्चन है वो लेते हैं, समझिएगा।
ये आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें आपको पूछा है, यहां पे आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, नहीं दे रही है तो देखो मैं बना देता हूं। यह आकृति इस प्रकार से है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी होगी, ये चीज आपसे पूछिए। ये जो आकृति दे रखी है इसमें त्रिभुजों की संख्या है वो अपने पास कितनी होगी, किस टाइप से अपन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे अभी मैं आपको जस्ट ये बता के आया हूं दोस्तों कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या अपन लेते हैं वो अपने पास होती है 6 कॉर्नर वाले स्टार में त्रिभुजों की संख्या थी वो कितनी थी, 8 थी। 6 कॉर्नर वाले स्टार में त्रिभुजों की संख्या कितनी थी, 8 थी। तो अपन क्या करते हैं, इसमें 8 त्रिभुज बन रहे हैं, तो देखो यहां पे 8 तो इस अंदर वाले में बन जाएंगे और 8 ही इस बाहर वाले में बन जाएंगे, तो 8 प्लस 8 16 तो ये हो जाएंगे, प्लस और भी बन रहे हैं त्रिभुज, कहां बन रहे हैं, कॉर्नर पे। ये अपने पास एक त्रिभुज बनेगा तो 17, ये वाला एक त्रिभुज बनेगा तो आपके पास त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 18, और इधर यहां पे ये वाला त्रिभुज बनेगा तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 19, और इसमें त्रिभुज बनेंगे तो ये त्रिभुज आपके पास हो जाएंगे कितने, 20। नेक्स्ट यहां पे ये वाला जो त्रिभुज बनेगा वो इसमें बन जाएगा 21, और ये वाला जो त्रिभुज बनेगा वो आपके पास हो जाएगा कितना हो जाएगा, 22। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या है वो आपके पास दोस्तों आएगी, टोटल त्रिभुजों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 22। 22 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, एक आ जाएगा। एक बार दोबारा समझिएगा, सबसे पहला यहां पे ये दे रखा है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो देखो मैंने आपको बताया कि 6 कॉर्नर वाला जो स्टार होता है इसमें 8 त्रिभुज बनते हैं, तो 8 तो इस अंदर वाले स्टार में बन गए और 8 इस बाहर वाले में बन गए, तो 8 प्लस 8 16, और उसके बाद में 6 त्रिभुज मैंने बाहरी कोणों पे गिना दिया आपको, 17 18 19 20 21 और कितने, 22। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर अपन चलते हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या है वो हम इस प्रकार से लेंगे, ये स्थिति अपने पास आएगी उसको आप देखिएगा, त्रिभुजों की संख्या है वो इस प्रकार से आ जाएगी, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो कल मैंने आपको बताया था कि ऐसी सिमेट्रिक आकृति जब होती है तो प्रत्येक रेखा पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या देख लेते हैं। इस रेखा पर, एक रेखा पर 3 त्रिभुज बन रहे हैं, इधर भी अपने पास 1, 2 और 3 त्रिभुज बन रहे हैं, और यहां पे भी त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3 है। यहां पे भी त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3 है। तो इसमें टोटल त्रिभुज है, जब ये सिमेट्रिक डायग्राम होता है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या टोटल जब 3 भाग होते हैं तो अपने पास यहां पे टोटल त्रिभुजों की संख्या मैंने आपको बताई थी कितनी, 13। यानी मैंने आपको कल इस टाइप से बताया था कि यहां पे भाग इसमें जब 1 भाग होता है, 2 भाग होता है, 3 भाग होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, तो अपने पास यहां पे टोटल त्रिभुज है वो आपके पास बनेंगे, टोटल त्रिभुज है जब 1 भाग होता है एक बनेंगे, 2 होता है तो 5, 3 होता है तो 13, 4 एक रेखा पर बनते हैं 27, 5 होते हैं तो 48, 6 होते हैं तो 78, 7 होते हैं तो 118। कैसे होते हैं ये मैंने आपको बताया था दोस्तों, समझिएगा। यहां पे इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये अपने पास इसके अपन त्रिभुजों के भाग लिख लेते हैं, सबसे पहले जो पार्ट है वो लिख लेते हैं, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, एक रेखा पर बनने वाले त्रिभुज उनकी संख्या है उसको अपन लिख लेंगे, 1, 2 और कितना लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। फिर इनकी अपन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सीएफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सीएफ संचयी बारंबारता है वो अपन बढ़ाते हैं, तो संचयी बारंबारता है 1, फिर 1 में 2 को जोड़ेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6, फिर इधर अपन सीएफ बनाएंगे तो ये अपने पास 6 प्लस 3 प्लस 9, यहां 6, 3, 9 और 1, 10, तो ये हो गया। फिर नीचे वाले भाग को छोड़कर दूसरा भाग है वो साइड में लिखते हैं, फिर एक भाग को छोड़ेंगे तो ऊपर पार्ट्स है नहीं,
सीएफ और साइड में लिखे हुए भाग का टोटल करेंगे, 6, 3, 9, 1, 10 + 3 ये वाला रहा, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या है वो दोस्तों आपके पास आएगी, टोटल त्रिभुज है वो कितने आ जाएंगे, यहां पे 13 त्रिभुज है वो बन जाएंगे, कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 13 त्रिभुज है वो बन जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा कौन सा आपका, सेकंड आ जाएगा। अगला प्रश्न है वो अपन अध्ययन करते हैं, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें पार्ट्स बने हुए 1, 2, 3 और कितने पार्ट बने हुए, 4 पार्ट्स है वो अपने पास यहां पे बन रहे हैं। जब 4 पार्ट्स बनते हैं तो त्रिभुजों की टोटल संख्या है वो अपने पास, यहां पे एक रेखा पे 4 त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसमें मैंने आपको बता रखा है, इधर से भी देख लो जी, यहां पे सिमेट्रिक 4 भाग बन रहे हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या जो होगी टोटल वो आपके पास हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी, टोटल अपने पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27 है वो आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है वो आप देखिएगा, यहां पे दी गई आकृति है इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसको आप काउंट कीजिएगा एक बार, इस दी गई आकृति में यहां पे कितने त्रिभुज होंगे उसको आप काउंट कीजिएगा। हाँ भैया बताओ ये कितना आया दोस्तों, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिएगा ऑप्शन आपको यहां पे क्लियर दिखाई दे रहे हैं क्या, कमेंट कीजिएगा एक बार कितना आंसर आया। देखिएगा अभी अपन ने 6 कॉर्नर वाले स्टार की बात की थी, इसमें स्टार में ये अपने पास इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा है इसमें कितने कॉर्नर हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये अपने पास कॉर्नर्स है, इनकी संख्या आपको दे रखी है कितनी दे रखी है, 5, तो यहां पे टोटल ये अपने पास त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो चीज आपको देखनी है, टोटल त्रिभुजों की संख्या है जब 5 कॉर्नर है तो इसमें त्रिभुज बनेंगे 5 × 2 कितने 10, 5 कॉर्नर वाले स्टार में सदैव त्रिभुजों की संख्या 10 बनती है। मैं अब आपको एक एक त्रिभुज है वो काउंट करके बता रहा हूं, सिंगल सिंगल त्रिभुज है वो काउंट करके बता रहा हूं, तो ध्यान से समझेगा, एक एक के 5 तो सबके बन गए होंगे, ये अपने पास एक एक के 5 त्रिभुज है वो तो सबके बन गए होंगे, 1, 2, 3 देखो एक इस प्रकार से, और दूसरा अपने पास इस प्रकार से, तीसरा आपके पास ये वाला बन गया होगा, और चौथा अपने पास ट्रायंगल है वो ये बन गया होगा, पांचवा ट्रायंगल है वो आपके पास ये बन गया, एक एक के अपने पास त्रिभुज बने होंगे वो कितने बने हैं, 5 सभी के बन गए। फिर आपको क्या करना है, दो दो के त्रिभुज बनाने, तो दो दो के त्रिभुज बनाने दोस्तों ध्यान रखिएगा, दो दो के त्रिभुज इस प्रकार से बनेंगे, एक का त्रिभुज बनाना है तो एक आगे त्रिभुज छोड़ देना, एक का दो के साथ नहीं बनेगा, एक का त्रिभुज बनेगा वो किसके साथ बनेगा, 3 के साथ बनेगा, 1 + 3, फिर 2 का 3 के साथ बनेगा, 2 के बाद में एक सीरियल छोड़ दो, 2 का बनेगा 4 के साथ में, 2 का अपने पास ये वाला 4 के साथ में त्रिभुज बन रहा है, फिर अपने पास 3 का 4 के साथ नहीं 5 के साथ, 3 का 5 के साथ कैसे बनेगा देखिएगा भाई, 3 का 5 के साथ है वो इस प्रकार से ट्रायंगल बन जाएगा, फिर अपने पास 4 का यहां पे 5 के साथ नहीं बनेगा 1 के साथ बन जाएगा, 4 का अपने पास जो त्रिभुज बनेगा वो बन जाएगा किसके साथ है 1 के साथ है, और फिर अपने पास 5 का त्रिभुज बनेगा वो 2 के साथ बन जाएगा, 5 का 2 के साथ कैसे बनेगा देखिएगा दोस्तों, 5 का 2 के साथ इस प्रकार से त्रिभुज बन जाएगा, यहां पे कोई त्रिभुज मैंने देखो दो बार तो नहीं काउंट कर लिया है, 1 + 3, 2 + 4, 3 + 5, 4 + 1, 5 + 2, तो 5 यहां से बन जाएंगे, 5 + 5 टोटल त्रिभुजों की संख्या आपके पास कितनी 10, तो जब 5 कॉर्नर वाला स्टार आता है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 10, इंपोर्टेंट है, राजस्थान पुलिस में भी पूछा हुआ शायद, और दिल्ली पुलिस में भी कन्फर्म पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा हुआ है,
और भी पूछ सकता आपको। तो यहां पे त्रिभुजों की संख्या कितनी आई, ये अपने पास त्रिभुजों की संख्या आपके पास आ जाएगी कितनी, 10 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि निम्न आकृति है उसमें त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी होगी। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है वो अपने पास कितनी होगी, तो हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, समझिएगा। सबसे पहला यहां पे देखो, इसमें जो पार्ट्स है वो अपने पास बन रहे हैं ये, इसको तो अपन शॉर्ट ट्रिक से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, ये अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पे इसमें अपन करते हैं, तो ऊपर वाले में सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक है वो क्या लगेगी, ध्यान से समझिएगा। ऊपर वाले में चार पार्ट्स बन रहे हैं, तो कल मैंने देखो दोस्तों आपको इस प्रकार का काउंट करना बताया था कि जब एक चतुर्भुज है उसके दोनों विकर्ण आपस में मिले हुए होते हैं, चार पार्ट्स बनते हैं, तो उसमें त्रिभुजों की संख्या चार दूनी कितनी होगी, 8। तो 8 त्रिभुज तो आपके पास यहां से आ गए, और 1, 2, 3, 4 ये अपने पास 8 त्रिभुज ही आपके पास यहां से आ गए। तो 8 + 8 कितने त्रिभुज बन गए, 16, तो ये बन गए 8 + 8 कितने बन गए, 16, तो ये बन गए। नेक्स्ट उसके पश्चात यहां पे अपन आगे चलाते हैं, तो कल अपन ने इस टाइप से परिचर्चा की थी कि ऐसा त्रिभुज आता है बीच में अपने पास ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं आती है, तो अपन पार्ट्स काउंट करके 1 + 2, 3 बनाते हैं। उसी प्रकार आपको देखो ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला मान है वो दिखाई दे रहा होगा, इसमें अपने पास ये पार्ट्स बन रहे हैं, कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 2 पार्ट्स है वो बन रहे हैं, कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 2 पार्ट्स है वो बन रहे हैं आपके पास। तो यहां पे त्रिभुजों की संख्या है वो अपने पास 3 त्रिभुज ये आ जाएंगे, प्लस 1 और 2 पार्ट ये रहे, तो 3 त्रिभुज यहां से आ जाएंगे, 3 + 3 कितने हो गए, 6। तो 16 + 6 करेंगे टोटल यहां तक कितने हो गए, 22। फिर कुछ संयुक्त त्रिभुज है वो भी आपके पास बनेंगे, संयुक्त त्रिभुज है उनकी संख्या है वो अपने पास यहां इस प्रकार से बन जाएगी, संयुक्त त्रिभुजों की संख्या है वो अपन देखते हैं। तो समझिएगा दोस्तों इसमें संयुक्त त्रिभुज है वो कौन से बन रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये अपने पास इसको मिलाने से एक तो ये वाला त्रिभुज बन गया, दूसरा आपके पास ये वाला त्रिभुज बन गया, 2 त्रिभुज तो ये हो गए, तो 22 + 2 = 24। फिर और देखो 24 के बाद में ये वाला अपने पास यहां पे 25, और ये वाला त्रिभुज आपके पास बन रहा है 26, प्लस 2 और करेंगे तो यहां पे त्रिभुज हो गए 26। उसके पश्चात और कौन सा त्रिभुज है वो आपके पास बन रहा है, ध्यान से समझिएगा, यहां पे इसमें त्रिभुज है। नेक्स्ट अगला जो त्रिभुज अपन बनाएंगे वो आपके पास कौन सा बनेगा, देखिएगा यहां त्रिभुजों की संख्या और बनाते हैं अपन, तो अगला त्रिभुज जो बनेगा वो आपके पास इस प्रकार से बन जाएगा। देखो ये वाला त्रिभुज अपन ने यहां पे इस रेड से तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ब्लैक ले लेता हूं, ये वाला त्रिभुज अपन ने काउंट नहीं किया है, एक त्रिभुज तो ये वाला बन गया, और एक त्रिभुज है वो ये वाला बन गया, 2 + एक बार मैं इसको देखो थोड़ा सा साइड में ले लेता हूं, मार्किंग ज्यादा हो गई इसमें, तो यहां पे इसमें मैं इसको साइड में बना देता हूं, समझना आप। देखिएगा यहां पे सबसे पहली बात ये इस टाइप का डायग्राम था आपका, ये डायग्राम था दोस्तों आपका इस रूप का। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या आपने को काउंट करनी थी, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इसमें त्रिभुज बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 4 वाले में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 8। फिर ऊपर भी 1, 2, 3, 4 कितने बन रहे हैं, 8। तो 8 + 8 कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 16। उसके बाद में ये 2 पार्ट्स बन रहे हैं, तो 2 त्रिभुज इनके बन गए 16 + 2 = 18 + ये 2 त्रिभुज ये बन रहे हैं, तो ये अपने पास हो गए कितने हो गए भाई, 20 हो गए।
अब उसके बाद में देखो, इसमें मैं आपको त्रिभुज काउंट करवाऊंगा। काउंट करना दोस्तों, एक साइड के त्रिभुज काउंट करवा रहा हूं, एक और दो त्रिभुज ये बन रहे हैं। फिर उसके पश्चात यहां पे ऊपर वाली साइड में ये अपने पास एक और दो, यानी दो तो बाएं दाएं बन रहे, दो ऊपर नीचे बन रहे, तो टोटल अपने पास त्रिभुजों की संख्या है वो अपने पास चार तो इस साइड में बन जाएंगे और चार ही इस साइड में बनेंगे। अब आप कहोगे सर इस साइड में कैसे बनेंगे, देखो ये चार त्रिभुज इस प्रकार से नहीं बनेंगे क्या, दो तो ये बन जाएंगे, दो त्रिभुज तो ये बन जाएंगे, और नेक्स्ट यहां पे दो त्रिभुज आपके पास इस प्रकार से बन जाएंगे, चार ये हो जाएंगे, तो 20 प्लस 4 24, 24 और 4 28, तो इसमें बनने वाले त्रिभुजों की संख्या है वो दोस्तों आपके पास कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। तो यहां पे इस डायग्राम में बनने वाले टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी थी, 28 थी। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं, काउंट कीजिएगा इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या वो कितनी होगी, दी गई आकृति है इसमें त्रिभुजों की संख्या है वो अपने पास कितनी होगी, फाइंड आउट कीजिएगा दोस्तों। हां जल्दी कमेंट कीजिएगा कितने आ रहे हैं इसमें त्रिभुज। हाँ दोस्तों बताइएगा इसमें कितना आया आंसर, सचिन तिवारी जी बता रहे हैं 16, प्रकाश सुतार जी बता रहे हैं 16, सभी 16 ही बता रहे हैं। देखो कॉपी तो नहीं कर रहे हो दोस्तों, हाँ देखो बिल्कुल सही है 16, कल अपन ने इस टाइप का अध्ययन किया था, इसमें त्रिभुजों की संख्या है वो अपने पास 4, 5, 6, 7 और 8, ये अपने पास 8 भाग है वो अपने पास बन रहे, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 × 2, ये अपने पास अध्ययन किया था अपन ने, कितने बनेंगे 16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे अपन चलते हैं दोस्तों, समझिएगा इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे ये आपको बताना है, इस आकृति है उसमें कितने त्रिभुज है वो अपने पास होंगे बताओ दोस्तों। हाँ इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है वो अपने पास होंगे, सचिन तिवारी जी कह रहे हैं सर 18 आएगा, लेखराज जी कह रहे हैं 18 आएगा, भूपेश जी कह रहे हैं 18 आएगा, प्रकाश जी कह रहे हैं 18 आएगा। दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दो थोड़ा, हां तो देखो इसमें अपन किस प्रकार से काउंट करेंगे समझो एक बार थोड़ा सा, कल अपन ने देखो इस टाइप से अध्ययन किया था, इस टाइप की यहां पे जैसे ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा होते हैं, तो इसमें अपने पास दो पार्ट्स बन रहे हैं, दोनों का योग करना होता है, तीन त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखो यहां पे ये दो पार्ट्स बन रहे हैं, एक दो, तो कितनी जगह बन रहे हैं, एक, ये दूसरी जगह,
ये तीसरी जगह है, ये चौथी जगह है, और ये यहां पे पांचवी जगह बन रहे हैं, और ये अपने पास छठी जगह बन रहे हैं, यानी छह जगह दो दो पार्ट बन रहे हैं। इस एक में त्रिभुजों की संख्या एक प्लस दो तीन होगी, तो छह में छह इंटू तीन कितनी होगी, अठारह। छह इंटू तीन कितने हो जाएंगे, अठारह। देखो यहां भी तीन त्रिभुज बन रहे हैं, दो तो छोटे एक और दो और एक पूरा बड़ा, तीन त्रिभुज है वो प्रत्येक जगह बन रहे हैं, तो चार तो चारों कोनों पे हो गए, दो बीच में हो गए, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या आपके पास कितनी आई, 18। बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। हां दोस्तों समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ गया, अच्छा चल रहा है बिल्कुल। आप इसको एक बार लाइक कर दीजिए, क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न ध्यान देंगे, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, बताइए दोस्तों। हां समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है तो एक बार शेयर कर दीजिएगा क्लास को और लाइक भी कर दीजिएगा। हां दोस्तों काउंट किया गया, कितने आए त्रिभुज, देखो काउंट करते हैं अपन। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, पार्ट्स बन रहे हैं, सीधा सा कंसेप्ट है, ये अपने पास दो पार्ट तो यहां पे बन रहे हैं, फिर अपन आगे चलते हैं तो तीन त्रिभुज तो यहां हो गए, फिर अपने पास दो पार्ट ये बन रहे हैं तो तीन ही ये हो गए, फिर दो पार्ट यहां बन रहे हैं तो तीन ये हो गए, फिर दो पार्ट ये बन रहे हैं तो तीन ये हो गए, तीन तीन छह तीन नौ तीन बारह, बारह तो हो गए। ऑप्शन पे भी एक बार देख लिया करो एग्जाम की दृष्टि से, देखो नौ दस ग्यारह बारह तो एक जगह ही हो गए, फिर अपने पास यहां पे त्रिभुजों की संख्या अपन काउंट करेंगे तो अपने पास यहां से ऑप्शन एक ही दिखाई दे रहा है, बारह या बारह से अधिक, तो ये अपने पास एक ही ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देखो तीन जगह, यहां पे अपने पास तीन त्रिभुज बन रहे हैं, यहां तीन त्रिभुज बन रहे हैं, यहां तीन त्रिभुज बन रहे हैं, यहां तीन त्रिभुज बन रहे हैं, तीन चौक कितना हो गया, बारह, तो आंसर आया बारह या बारह से अधिक, ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, दो आ जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न दिखाई दे रहा आपको, यहां से जल्दी से आप पढ़िएगा और कमेंट कीजिएगा कितना आंसर आएगा, क्लियर दिखाई तो दे रहा आपको, हां तो बताइएगा, ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं सर, ये लो जल्दी से कमेंट कीजिएगा कितना आंसर आएगा। भूपेश जी का 20 आ रहा है, रीना जी का 20 आ रहा है, लेखराज जी का 20 आ रहा है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, समझेगा। कल अपन ने इस टाइप का पढ़ा था, यहां पे एक दो और ये अपने पास तीन पार्ट्स बन रहे हैं, तो ये अपने एक और दो से अपने पास टोटल तीन त्रिभुज बनते हैं, तीन इस कॉर्नर पे बन गए, तीन इस कॉर्नर पे, तीन इस कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे बनेंगे, तो तीन इंटू चार, तीन चो कितना, बारह। और यहां पे ये अपने पास इसमें बीच में, ये देखो अपने पास चतुर्भुज वर्ग कह सकते हो या आयत कह सकते हैं, इसमें त्रिभुजों की संख्या जो बन रही है वो अपने पास बन रही है, यहां पे देखो ये चार पार्ट्स बन रहे हैं, तो इनको भी इंटू दो करते हैं, चतुर्भुज वाला होता है चार दुनिया आठ, बारह आठ कितने त्रिभुज बने, बीस त्रिभुज है वो आपके पास बन जाएंगे, इसमें त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी आ जाएगी, बीस आ जाएगी दोस्तों, कितना आया, बीस। तो समझेगा इसमें त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी होगी, 20। यहां पे ऑप्शन नंबर एक आ रहा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो ये देखिएगा दोस्तों, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे, ये देखिएगा,
बताओ कितना आएगा। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। हाँ दोस्तों बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। रीना जी करें 40 आएगा, कमलेश जी करें 40 आएगा, प्रकाश जी पीछे वाले का बता रहे हैं कि सर 12 प्लस 8 बनेगा। हाँ दोस्तों और कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखो इसमें त्रिभुजों की संख्या अपन काउंट करते हैं तो ध्यान से समझना, कल अपन ने इस वाले भाग में जैसे त्रिभुज बनाए थे तो ये अपने पास चार पार्ट्स बन रहे, चतुर्भुज है उसके दोनों विकर्ण दिए हुए होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि आठ बन रहे हैं एक भाग में, चार पार्ट्स होते हैं उनका डबल करते हैं, छह बन रहे होते हैं छह का डबल, आठ बन रहे होते हैं तो आठ का डबल, तो आठ तो ये बन जाएगा, प्लस ये अपने पास यहां से भी आठ ही बन जाएंगे, यहां से भी आठ, यहां से भी आठ, चार जगह बनेंगे तो आठ चौक 32 तो डायरेक्ट आ जाएंगे, 32 में तो किसी को कोई समस्या ही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट मनोज जी करें 40 आएगा, भूपेश जी करें 40 आएगा, हाँ नेक्स्ट संदीप जी करें 4 आएगा, 4 नहीं देखो 40 आएगा भाई। नेक्स्ट अगली बात अपन करते हैं तो यहां पे अगला त्रिभुज है वो अपने पास बनाते हैं, देखो ये एक त्रिभुज तो ये बन गया, दूसरा त्रिभुज आपके पास ये बन गया और तीसरा त्रिभुज है वो आपके पास ये बन गया, तीन त्रिभुज नीचे से बनेंगे तो दोस्तों तीन ऊपर से भी बनेंगे, तीन और प्लस तीन आपके पास यहां पे टोटल त्रिभुज होंगे उनकी संख्या छह ये बन जाएंगे बीच में, तो 32 प्लस 6 38 हो गए, प्लस और भी बन रहे हैं दोस्तों त्रिभुज, कहां ये वाले त्रिभुज और बन रहे हैं, इनकी संख्या और बन रही है, तो ये अपने पास दो त्रिभुज है वो आपके पास और बन रहे हैं, एक प्लस एक ये दो त्रिभुज और बन रहे हैं, तो यहां पे टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी वो दोस्तों आपके पास आ जाएगी कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। प्रकाश जी कह रहे हैं 40 आएंगे, बिल्कुल 40 आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा 4 नंबर, समझ में आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट यहां पे अगला प्रश्न है, अपने पास दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, एक बार कमेंट करके बताइएगा तुरंत ही जल्दी से, कल का बताया हुआ मेरा ये पढ़ाया हुआ कल को आपको, हाँ दोस्तों कमेंट करके बताइएगा एक बार कितने आ रहे हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या। निकिता जी कह रहे हैं 40 आएगा सर, हाँ भाई और भी बताइए कितना आएगा। प्रियंका जी कह रहे हैं 40 आएगा सर, देखो कल ही मैंने आपको बताया है यहां पे सबसे पहला मैंने आपको यह बता रखा है कि कितने पार्ट्स बन रहे हैं, एक ये अपने पास यहां एक और दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ भाग बन रहे हैं वर्ग के अंतर्गत, ये अपने पास चतुर्भुज में तो आठ दुनी कितना हो गया 16, 16 तो इस अंदर वाले ब्लॉक से बनेंगे और 16 इस कहां से बाहर वाले ब्लॉक से भी कितने बनेंगे 16 बनेंगे, देखो इससे भी अपने पास 16 बनेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, तो आठ दुनी 16 यहां से बन जाएंगे, 16 प्लस 16 त्रिभुजों की टोटल संख्या कितनी 32, अब वो आठ कहां से लाएंगे 40 वाले जो 40 बता रहे हैं, वो आठ पीछे वाले से गिनाएंगे क्या भाई, तो इसका जो आंसर है कमलेश जी बिल्कुल 40 बता रहे हैं आपका, एक बार दोबारा देखो भूपेश जी 32 बता रहे हैं, सचिन जी है वो 32 बता रहे हैं, मनीषा जी
32 बता रहे हैं, बिल्कुल 32 वालों का सभी का सही है भाई। 40 वाले एक बार देखो, ध्यान से देखो, इसमें त्रिभुजों की संख्या कल मैंने काउंट करवाई थी आपको कि अपने पास यहां पे त्रिभुजों की संख्या अपन काउंट करते हैं, तो इस प्रकार से मैंने डायग्राम बना के आराम से समझाया था। पीछे वाली वीडियो देखना जो आज नए आए, ये अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट्स होते हैं, इसका मतलब 8 त्रिभुज तो यही बन गए, एक एक के 8 त्रिभुज है वो तो यही बन गए। देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है, इसी प्रकार दूसरा, फिर अपने पास दो दो से बन रहे थे, 1+8 से बन रहा था, ये 1+8 को मिलाने से बन रहा था, 6+7 को मिलाने से बन रहा था, 4+5 को मिलाने से, 2+3 को मिलाने से, फिर 4+4 के, ये एक विकर्ण दो त्रिभुज बनाता है। देखो बड़े वाला एक विकर्ण है वो दो त्रिभुज बनाता है, ये अपने पास एक इधर से बन रहा है, दूसरा इधर से बन रहा है, तो एक विकर्ण दो त्रिभुज बना रहा है, तो इसमें विकर्णों की संख्या दोस्तों है वो दो है, तो दो विकर्ण अपने पास बड़े वाले त्रिभुज बनाएंगे, वो बनाएंगे कितने, 4, तो 4 तो ये हो गए, 8 ये हो गए, 8+4 हो गए दो दो वाले, 4 हो गए बड़े 4+4 वाले, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या मैंने आपको बताई थी कि यहां पे 16 बनती है, एक आकृति में दो होते हैं तो इनमें अपने पास कितनी हो जाएगी, 32, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी होगी। हां तुरंत बताइए जल्दी से, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, कितने यहां पे कितना आएगा, इसमें आकृति में कितने त्रिभुज है, देखो सीधी शॉर्टकट लग रही है इसमें। प्रियंका जी 32 बता रहे हैं, प्रकाश जी 32 बता रहे हैं, सचिन तिवाड़ी जी 24 बता रहे हैं, अब की बार तिवाड़ी जी 222 कैसे बता रहे हो आप, रीना जी 24 बता रहे हैं, कोमल जी बता रहे हैं 24, प्रियंका जी बता रहे हैं 24, देखो दोस्तों अपन काउंट करते हैं इसमें, यहां पे इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करेंगे, कितना इजी काम है सुनो, सबसे पहले कितने पार्ट्स बन रहे हैं, दो पार्ट्स बन रहे हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 3, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 3, चारों कोणों पे बनेगी, तो अपने पास 3 चौक 12 सीधा काम पड़ा था इतना। तो फिर उसके बाद में कमलेश जी बता रहे हैं 28 बता रहे हैं, तिवारी जी बता रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, चलो देखते हैं तिवारी जी, यहां पे 3, 4, 5 और 6 ये अपने पास 6 पार्ट्स बन रहे हैं, इससे चतुर्भुज में या वर्ग में कह सकता हूं मैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 6 × 12, इतने में किसी को कोई समस्या है क्या, 12 और 12 24 तो आपने यही बनाए, अब ये दोनों आकृतियां अलग अलग होती तब तो ये 24 सही था आपका कि दोनों में 24 है, लेकिन मैंने आपको इन आकृतियों को मिश्रित करके दे दिया, तो दोस्तों कुछ नए त्रिभुज और बन जाएंगे, नए कौन से, एक तो देखो इनको मिलाने से, एक और दो, दो तो इस वाले भाग से बनेंगे और दो ही इस वाले भाग से बनेंगे, तो यहां पे 2+2 कितने बन जाएंगे, 4, और 24 में 4 ऐड कर दोगे तो त्रिभुजों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 28, ऑप्शन नंबर 3। कमलेश जी का एक सही था, और भी किसी का 28 आया है क्या, देखो भूपेश जी अब भी 24 ही बता रहे हैं, एक बार देखो वे ध्यान रखा करो इसमें क्या करना है, जब दो आकृतियों को आप मिला रहे हो अलग अलग होती है, आपका 12 12 बिल्कुल सही बताया आपने, इन चारों में 12 बताए, बीच वाले में 12, लेकिन इनको सम्मिश्रित किया हुआ है, तो यहां पे दोस्तों इसमें अपने पास बनेगा वो टोटल अपने पास त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी बनेगी, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी अपन बात करते हैं, समझिएगा ध्यान से बताना, गलती मत करना, जल्दीबाजी मत करो, बताओ इसमें कितने त्रिभुज आएंगे, हाँ काउंट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये लो
निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? बताओ दोस्तों एक बार जल्दी से कमेंट करके कितना आएगा आंसर। हाँ भाई देखो, इसमें अपन त्रिभुजों की संख्या काउंट करते हैं तो सबसे पहले इस टाइप से त्रिभुज बन जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां पे कोई बात नहीं है। सचिन जी कह रहे हैं सर जल्दबाजी कर दी, सॉरी कोई बात नहीं है, ध्यान से काउंट करना है, एग्जाम में से नहीं करना है। रीना जी कह रहे हैं 13 आएंगे सर। हाँ तो इसमें मैं काउंट करता हूं भाई, देखो सबसे पहले इसमें त्रिभुजों की संख्या लेंगे तो एक दो, दो पार्ट बन रहे इधर, एक और दो, दो पार्ट्स बन रहे हैं, एक और दो, दो पार्ट्स बन रहे हैं। तो अपने पास जब दो पार्ट्स बनते हैं तो टोटल त्रिभुजों की संख्या अपनी बात हो रखी है कल वाली कि एक प्लस दो, ये अपने पास टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? तीन। तो तीन यहां हो गए, तीन यहां हो गए, तीन तीन जगह करेंगे तो तीन इंटू तीन नौ तो यही हो गए। उसके बाद में अंदर भी त्रिभुज बन रहे हैं, दस से ग्यारह बारह तेरह, तेरह तो ये हो गए, और चौदवा त्रिभुज ये पूरा ये हो जाएगा चौदवा। और यहां पे पंद्रह नंबर पे एक पूरा बड़े वाला त्रिभुज भी बन रहा है, पंद्रह नंबर पे एक पूरा बड़े वाला त्रिभुज है वो भी बन रहा है। और कोई त्रिभुज देखो बन रहा है क्या, दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दे रहा है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी कितनी होगी? सोलह। एक बार दोबारा देख लो कैसे हुए, यहां पे इस कॉर्नर पे दोस्तों ये अपने पास तीन त्रिभुज है वो बन रहे, इस कॉर्नर पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं? एक प्लस दो से तीन त्रिभुज बन रहे, तीन और तीन छह, तीन नौ। फिर देखो दसवां छोटा अंदर रहा, फिर ये ग्यारहवां त्रिभुज रहा, ये बारहवां त्रिभुज रहा, ये तेरहवां रहा, और यहां पे नेक्स्ट अपने पास जो था त्रिभुज वो अपने पास कंप्लीट पूरा बड़े वाला, यहां पे पंद्रह और ये अपने पास चौदह। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या आपके पास आनी थी वो कितनी आई? पंद्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप समझिएगा, ये अपने पास इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। हाँ एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है पढ़ने में। जिन्होंने कल क्लास ली थी उनके लिए इजी हो रहा है काम, वो तुरंत ही बता रहे हैं काउंट करके। हाँ दोस्तों एक बार क्लास को थोड़ा शेयर भी कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो यदि अच्छा लग रहा है आपको तो। बताओ दोस्तों कितना आ रहा आंसर इसका? करें तो अपन काउंट इसमें त्रिभुजों की संख्या। देखो समझेगा, सबसे पहले ये अंदर जो पार्ट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपके पास वन टू थ्री फोर, तो अंदर तो अपने पास चार बन रहे हैं एक चतुर्भुज में, तो चार दुनी आठ तो अंदर ही हो गए। फिर नौवां त्रिभुज ये बन रहा, दसवां ये बन रहा, ग्यारहवां ये बन रहा, बारहवां ये बन रहा, और कोई मिलाने से पूरे इसके मिलाने से कोई त्रिभुज का निर्माण हो नहीं रहा है। तो अपने पास इसमें त्रिभुजों की संख्या दोस्तों कितनी आई? बारह। ऑप्शन नंबर कितना आ गया? तीन। कमलेश जी बिल्कुल बता रहे हैं बारह बता रहे हैं, मनीषा जी का 12 है, सचिन तिवारी जी का 12 है और निकिता जी का 12 है बिल्कुल। और भी कमेंट आ रहा है। और नेक्स्ट यहां पे अपन परिचर्चा करते हैं, ये तो अपन ने की थी त्रिभुजों की परिचर्चा है उसके बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट अगला अपन एक त्रिभुज और लेते हैं इसमें, ये भी अच्छा प्रश्न है, बताइएगा दोस्तों इसमें। गौरव सिंह जी कह रहे हैं सर ग्रेट वे टू टीचिंग, थैंक यू। हाँ इसमें काउंट कीजिएगा दोस्तों कितने त्रिभुज बन रहे हैं टोटल, ध्यान से काउंट कीजिएगा, बिल्कुल देखते ही आप कर दोगे इजी है। हाँ दोस्तों एक बार काउंट करके बताइएगा जल्दी से कितना आएगा, कमेंट कीजिएगा।
जी कह रहे हैं सर 12 आंसर आएगा, पीछे वाले का बता रहे हैं सर आप, इसका बताओ नया प्रश्न आ गया इसका बताओ कमेंट करके जल्दी से। तिवारी जी बता रहे हैं 28 आएगा। देखिएगा दोस्तों यहां पे इसमें गिनने का सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल आप गिन दोगे और गिन भी रहे हैं, बहुत अच्छा बता भी रहे हैं। देखो यहां पे इस कॉर्नर पे मैं त्रिभुज गिनूं, 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा त्रिभुज बन रहा है, एक पूरा ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो इस कॉर्नर पे कितने बने, 5 बने। कितने कॉर्नर ऐसे इसमें, यहां पे 1 2 3 और 4, एक कॉर्नर पे 5 बनेंगे तो 4 पे बन जाएंगे, 5 कितने 20, प्लस अंदर जो ये चतुर्भुज बना हुआ है इसमें अपने पास यहां पे 1 2 3 और 4, 4 त्रिभुज ये अपने पास बन रहे हैं, 4 × ये अपने पास 2 8, इसमें त्रिभुजों की संख्या 20 + 8 28, और कोई त्रिभुज देखो बन रहा है कैसे, इसको मिलाने से चतुर्भुज तो बनता है भाई, वर्ग बन सकता है लेकिन त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आपके पास आ रही थी दोस्तों कितनी आ रही थी, 28 आया होगा। चलो संदीप जी बता रहे हैं 32 कैसे आएगा बताओ भाई। हाँ कमलेश जी का बिल्कुल 28 सही है, रीना जी का 28 सही है। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन चलते हैं। यहां पे इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, हाँ बबीता जी का 28 आंसर आ रहा है पीछे वाले प्रश्न का, इस प्रश्न का बताइएगा। इसमें बहुत सिंपल है, जल्दीबाजी मत करना, आप शॉर्टकट निकालना बस। बताओ दोस्तों कितना आएगा, हाँ दोस्तों बताइए इसका कितना आंसर आएगा। निकिता जी का भी 28 आ रहा है, पीछे वाले का बता रहे होंगे आप 28 या इसका भी 28 ही बता रहे हो। अब देखो इसमें कैसे काउंट करना था, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल था और आपने किया भी होगा काउंट। अब इसमें शॉर्टकट कैसे लगाना, आपको शॉर्टकट दोस्तों इस प्रकार से लगाना था, ये देखो 1 2 पार्ट्स बन रहे हैं, ये 1 और 2 पार्ट बन रहे हैं। नेक्स्ट यहां पे समझना आप तो एक बार ध्यान से, ये अपने पास चतुर्भुज वाला कंसेप्ट बन रहा था 3 4, ये चतुर्भुज वाला कंसेप्ट है वो बन रहा था 3 4, 1 2 3 4, और ये अपने पास त्रिभुज वाला कंसेप्ट बन रहा था 1 और 2, बस आ गया आंसर। देखो 1 + 2 3, तो 3 3 वाले बन रहे थे, 1 2 और 3 जगह बन रहे थे, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, तो यहां पे ये बन जाएंगे। प्लस दोस्तों ये 4 पार्ट्स होते हैं तो एक में बनता है 4 × 8, और यहां पे 4 × 8 8 + 8 16, ये हो जाएगा 16 + 9 25, में तो कोई समस्या ही नहीं है किसी को भी। अब देखो आगे अपन त्रिभुज बनाएंगे दोस्तों, तो ये अपने पास एक 26वां त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, 26वां त्रिभुज, और ये अपने पास 27वां त्रिभुज है वो दिखाई दे रहा होगा 27, और 28वां त्रिभुज देखना आप, ये वाला त्रिभुज जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा बड़ा वो 28, और ये वाला जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ये अपने पास 29, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या आएगी वो ऑप्शन नंबर 4 29। कमलेश जी का सही है, रीना जी का सही है 29, और प्रियंका जी है इनका 28 है। नेक्स्ट, तो इसमें अपने पास टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आई, 29। एक बार दोबारा समझ लो किस प्रकार से, ये देखो त्रिभुज वाले जो क्षैतिज रेखाओं वाले बन रहे थे 3, तो यहां पे 3 ही यहां पे और 3 ही यहां पे, 3 3 9, और ये अपने पास जो बन रहे थे वर्ग वाले 8 8 16 16 9 25,
फिर 26वां त्रिभुज मैंने आपको बताया बाहर की साइड में, देखो ये वाला बताया मैंने 26वां त्रिभुज, 27 वाला उधर, 28 वाला अंदर की तरफ, ये वाला बताया 29 वाला, ये टोटल त्रिभुजों की संख्या आपके पास कितनी आई 29। नेक्स्ट प्रश्न है उस पर अपन चलते हैं दोस्तों। अब की बार त्रिभुज नहीं गिनना है, क्या गिनना है इस आकृति में आपको, वर्तों की संख्या गिननी है। वर्त गिनना बिल्कुल सिंपल है, यदि वर्त का प्रश्न आता है दोस्तों तो यहां पे इसमें जो आंसर आएगा वो अपने पास बिल्कुल इजी आएगा। देखिएगा इस आकृति में आपको क्या गिनने हैं, वर्त गिनने। तो आप समझिएगा, सबसे पहले एक दो प्रश्न मैं करवाता हूं, एक दो प्रश्न आपसे पूछूंगा, क्योंकि वर्त वाला कल नहीं आया था, कल अपने त्रिभुज है वो ही काउंट किया था। तो समझिएगा वर्त कैसे काउंट करेंगे, करें तो एक, ये अपने पास दो और तीन, फिर देखो चार पांच, यहां पे छह सात आठ नौ दस ग्यारह, और ये बारह और तेरह, और ये बड़े वाला चौदह, फिर ये अपने पास पंद्रह और सोलह, और ये अपने पास सत्रह। काउंट करने में कोई देखो असुविधा हुई हो तो आप दोबारा पूछ सकते हो, यदि आपको काउंट करने में कहीं असुविधा हो रही हो तो दोबारा पूछ सकते हो। क्या किया है मैंने, देखो कुछ नहीं किया, सिंपल सा कंसेप्ट है। काउंट करके मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपको, समझिएगा इसमें अपन काउंट करेंगे तो यहां पे देखो सबसे पहले बड़े वाले गिन लो, बड़े वाले कितने हैं वो एक एक काउंट करके बता देता हूं मैं आपको। बड़े वाले काउंट करोगे एक दो तीन चार, चार तो बड़े वाले हो गए। अब देखो ये जो साइडों में बन रहे हैं एक और दो, दो एक दो तीन चार जगह, चार जगह दो दो बन रहे हैं, तो चार दुनी आठ, आठ ये हो जाएंगे, आठ चार कितने हो गए बारह, प्लस ये बीच में छोटे छोटे बन रहे हैं एक दो तीन चार पांच, ये बन रहे हैं, तो बारह और पांच, इसमें वर्तों की संख्या टोटल आई वो दोस्तों कितनी आई, सत्रह आ गई। कमलेश जी कह रहे हैं सर सत्रह आ गई, यहां पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये वाला प्रश्न है, इसमें आप काउंट करेंगे दोस्तों इस आकृति में वर्त कितने हैं, इस आकृति में वर्त कितने हैं, एक बार आप थोड़ा सा ध्यान देंगे काउंट करेंगे। हां दोस्तों ध्यान दीजिएगा कितने वर्त आएंगे इस आकृति में, करें काउंट, देखो समझिएगा इसमें वर्त काउंट करेंगे तो वेरी सिंपल कंसेप्ट है। सबसे पहला वर्त काउंट करते हैं, एक एक काउंट कर लेता हूं मैं, एक दो तीन चार पांच और छह, पूरा बड़े वाला सात, फिर आठ नौ दस ग्यारह बारह, और ये अपने पास तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और यहां पे उन्नीस। एक बार और देख लो दोस्तों कि मैंने कोई दो बार तो नहीं लिख दिया है, बिल्कुल प्रियंका जी का उन्नीस आ रहा है, यहां पे तिवाड़ी जी का उन्नीस आ रहा है, मनीषा जी का बीस आ रहा है। देखो एक, ये अपने पास दो तीन चार पांच, ये छह और ये पूरा बड़ा सात, इधर सात बन गए। उसके पश्चात या मैं एक एक काउंट करवाऊं तो समझो, एक एक काउंट करवाऊं यदि मैं तो बीच में देखो बड़े वाले तो कितने बन रहे हैं टोटल, यहां पे दोस्तों बड़े वाले तो तीन बन रहे हैं, एक दो और ये तीन, तो बड़े वाले तीन। अब बीच में ये जो बन रहे हैं दो दो, एक और दो, तीन में दो दो बनेंगे तो तीन दुनी छह, ये हो जाएंगे छह प्लस तीन नौ, प्लस ये कॉर्नर पे बन रहे हैं एक दो, ये अलग कलर में लेके बता देता हूं मैं, एक यहां पर दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और दस, दस ये बन रहे हैं, तो दस प्लस नौ टोटल करेंगे तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आई, सॉरी वर्तों की संख्या कितनी आई, उन्नीस। चलिए दोस्तों उन्नीस सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये बताइएगा इसमें वर्तों की संख्या कितनी होगी, ध्यान से कंफ्यूजन मत हो जाना, इस आकृति में वर्तों की संख्या कितनी होगी थोड़ा सा ध्यान से बताइएगा दोस्तों।
हाँ बिल्कुल, अपन का देखो काउंट कर लेते हैं, इसमें वर्तों की संख्या इसमें काउंट करेंगे, वेरी सिंपल है, समझिएगा। एक दो तीन, तीन यहां पे, ये तीन तीन बन रहे हैं, चार जगह चारों कोनों पे बन रहे हैं, तो तीन चौके बारह तो ये बन गए। फिर उसके पश्चात ये अपने पास तेरहवा चौदहवा पंद्रहवा वर्त और ये सोलहवा और ये अपने पास सत्रहवा वर्त, बाकी तीन तीन में काउंट हो गए बीच वाले, तो पांच ये बन रहे हैं। बारह और पांच कितने बन जाएंगे यहां पे, सत्रह, बारह प्लस पांच सत्रह, सत्रह देखो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये टाइपिंग संबंधी एरर है, तो आप किसी एक ऑप्शन में सत्रह कर लेंगे, इस ऑप्शन में सत्रह कर लेंगे भाई, इसमें सत्रह आ जाएगा। हाँ उन्नीस बता रहे हैं कुछ, उन्नीस कैसे बने भाई, हाँ सचिन जी करें सर, इसमें उन्नीस उन्नीस पीछे वाले में बता रहे होंगे, अच्छा अच्छा ठीक है, तो इसमें अपने पास बनने वाले की देखो, एक दो तीन, तीन और तीन छह, तीन नौ, तीन बारह, तेरह चौदह पंद्रह सोलह और सत्रह, ऑप्शन नंबर चार में सत्रह है, ये आप देखना इसमें थोड़ा सा। नेक्स्ट अगला, सर ऑप्शन सही नहीं है इसके, हाँ बिल्कुल नहीं थे वो, मैंने करवा दिया चेंज आपको, और ये वाला अभी अपन ने काउंट किया ही है। अगला अपन लेते हैं, किसकी संख्या काउंट करना, वर्गों की संख्या काउंट करना, इस आकृति में वर्गों की संख्या है वो अपन काउंट करते हैं, तो वर्ग किस किस प्रकार से काउंट करेंगे दोस्तों समझिएगा। सबसे पहले आपको यदि वर्ग काउंट करना है तो वर्ग का सिंपल सा कंसेप्ट है, इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी आपको मैं समझा देता हूं, क्या करना है यहां पे, इसमें सबसे पहले बाएं से दाएं चलते हैं तो वो आपके पास होती है यहां पे पंक्ति, और ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो वो मान आपके पास होता है स्तंभ, क्या होता है स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या देखते हैं अपन, इसमें पंक्ति कितनी है, एक दो तीन, और स्तंभ कितने हैं, एक दो तीन, तीन ही तो पंक्ति है दोस्तों इसमें, और स्तंभ भी कितने हैं तीन। तो अपन क्या करते हैं यहां पे ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है, पंक्ति और स्तंभ है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तीन की मल्टीप्लाई तीन से करेंगे, तीन तीन नौ, फिर एक पंक्ति कम कर देंगे एक स्तंभ कम कर देंगे, दो दुनी चार, एक पंक्ति कम करेंगे एक स्तंभ कम कर देंगे, फिर एक पंक्ति कम करेंगे एक स्तंभ कम करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, नौ चार तेरह और एक चौदह, तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी, चौदह आएगी। यहां पे क्या करना है, पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा करना है, और आगे चलने पर क्रम से एक पंक्ति और एक स्तंभ कम कर देंगे, सबका योग करेंगे तो नौ चार तेरह और एक कितना आएगा, चौदह अपने पास टोटल वर्ग आ जाएंगे। दूसरा समझिएगा, यहां पे इसी डायग्राम में मैं आपको वैसे काउंट करके बताऊं कि यहां पे कितने जो अपने पास वर्ग होंगे, तो समझिएगा बेसिकली एक एक काउंट करके बताऊं मैं आपको, तो वो इस प्रकार से हो जाएगा, लेकिन थोड़ी लेंथ ही हो जाएगी भाई, कैलकुलेशन ध्यान रखना। हां देखिएगा दोस्तों, इसमें अपने पास काउंट करने हैं तो अपन क्या करते हैं समझिएगा, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, एक एक के तो कितने बन गए नौ। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं अपन दोस्तों, वर्ग, वर्ग का मतलब है यहां पे एक का स्क्वायर एक या तो एक से बनेगा, या दो का स्क्वायर चार छोटे वर्गों से मिलकर, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह, पांच का स्क्वायर पच्चीस, या तो अपने पास एक छोटे वर्ग से मिलकर बनेगा, या चार छोटे वर्गों से मिलकर एक बड़ा वर्ग बनेगा, या नौ छोटे वर्गों से मिलकर एक बड़ा वर्ग बनेगा, या सोलह छोटे वर्गों से मिलकर एक बड़ा वर्ग है वो बनेगा, या अपने पास पच्चीस छोटे वर्गों से मिलकर एक बड़ा वर्ग है वो बनेगा, समझेगा। यहां पे एक एक के नौ, अब अपन बनाएंगे दोस्तों चार चार के, तो चार चार के देखो, एक और ये अपने पास चार का ही, यहां पे दो और ये दोस्तों यहां पे चार का ही, ये आपके पास तीन और ये वाला दोस्तों चार का ही अपन बनाएंगे तो आपके पास ये वाला चार, चार चार के बने हैं
वो अपने पास चार और एक नौका पूरा एक बनेगा, नौका पूरा एक ही बनेगा। तो इसमें वर्गों की संख्या टोटल अपने पास नौ चार तेरह और एक कितनी आएगी, चौदह आएगी। तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, यहां पे इस आकृति में कितने वर्ग है तुरंत ही आप काउंट करके बताइएगा दोस्तों। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या तुरंत काउंट करके बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा हुआ है। बिल्कुल रीना जी कह रहे हैं 30 आएगा, सचिन जी कह रहे हैं 30 आएगा। देखो इतना टाइम मत लो, यहां पे सिंपल कंसेप्ट है, ये अपने पास एक दो तीन चार, चार पंक्ति है और स्तंभों की संख्या भी कितनी, चार। तो चार इंटू चार 16, फिर एक पंक्ति कम कर देंगे, एक स्तंभ कम कर देंगे, तो 3 × 3 = 9, फिर एक पंक्ति एक स्तंभ कम कर देंगे, 2 × 2 = 4, एक पंक्ति एक स्तंभ कम कर देंगे, एक 16 और 9 = 25 प्लस 4 × 29 = 30। टोटल अपने पास वर्गों की संख्या कितनी, यहां पे 30 आ जाएगी। यहां पे एक कमेंट आया 26 नहीं आएंगे सर, इसमें 30 आएंगे, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, 1 × 1 = 1। तो यहां पे टोटल अपने पास वर्गों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, 30 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो आप समझिएगा, इसमें वर्गों की संख्या आप बताइएगा कितने होंगे। देखो अब इसमें आप कंफ्यूजन हो जाओगे, कंफ्यूजन हो जाते हो बहुत जल्दी कि सर इसमें कैसे काउंट करेंगे हम, इसमें तो ट्रिक ही नहीं लग रही। बिल्कुल लगेगी ट्रिक, देखो 1 2 3 4, चार तो ये दिखाई दे रहे और 5 6, यहां पे 7 8 9 और 10, 10 तो सबके बन गए एक एक। 10 बनने के बाद में अपने पास वर्ग है वो या तो एक एक से बनेंगे, या फिर अपने पास चार चार से, या फिर अपने पास नौ नौ से, इनसे बनेंगे। तो 10 तो बन गए। अब देखो 11वां अपने पास मैं बनाऊं इसमें, तो 11वां वर्ग इन चार के मेल से ये हो जाएगा आपके पास 11। यहां पे 12वां वर्ग अपन बनाए तो ये आपके पास 12वां वर्ग बन जाएगा इन चार के मेल से। और 13वां वर्ग है वो दोस्तों अपन बनाए तो ये आपके पास हो जाएगा 13वां वर्ग हो जाएगा। फिर 14वां वर्ग है वो अपन बनाते हैं तो इसमें दिखाई दे रहा आपको यहां से 14वां वर्ग ये बन जाएगा ग्रीन वाला नीला वाला। तो यहां पे इसमें टोटल वर्गों की संख्या होगी दोस्तों 14। बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं, मनीषा जी के आ रहे हैं, रेणु जी के आ रहे हैं। यहां पे नेक्स्ट है, इसमें आप देखना इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, काउंट करके बताओ शीघ्र तुरंत ही। हां बिल्कुल, इस आकृति में कितने वर्ग आएंगे, देखो अभी पीछे तो काउंट करवाया था मैंने आपको, बिल्कुल एक कमेंट आ रहा है सर इसमें ट्राइंगल कितने बनेंगे, कौन से में, कमलेश जी कह रहे हैं 17 आएंगे सर, रीना जी कह रहे हैं 17 आएंगे, राधे श्याम जी कह रहे हैं 17 आएंगे। बिल्कुल काउंट ही कर लेते हैं अपन। तो देखो सबसे पहली बात, यहां पे मैं इसमें काउंट करूं तो 1 2 3 4, ये अपने पास यहां पे चार वर्ग तो ये बन रहे हैं, एक पूरा बड़े वाला 5, और 2 2 × 4 + 1 1 × 5, तो 5 यहां से बनेंगे, फिर 5 ही मुझे यहां से मिलेंगे, फिर 5 ही मुझे यहां से मिलेंगे,
और पांच मुझे यहां से मिलेंगे, तो 500 कितने हो गए दोस्तों, 20 हो गए। लेकिन एक समस्या आई, 520 तो हो गए लेकिन एक समस्या आई कि कुछ त्रिभुज है वो दो दो जगह काउंट हो गए, उनको माइनस कर दो। कौन कौन से काउंट है, एक तो ये त्रिभुज दो जगह काउंट हुआ है, एक ये वाला त्रिभुज दो जगह काउंट हुआ है और एक ये वाला त्रिभुज दो जगह काउंट हुआ है, यानी तीन त्रिभुज ऐसे थे जो दो जगह काउंट हो गए, तो उनको माइनस कर दो। तो 20 माइनस 3 करेंगे कितने आए, 17। सभी का, नंदलाल जी का भी बिल्कुल 17 आ रहा है, मनीषा जी का भी 17 आ रहा है। तो इसमें अपने पास यहां पे त्रिभुज सॉरी वर्गों की संख्या है वो कितनी आएगी, 17। अगले प्रश्न की ओर अपन चलते हैं दोस्तों। दी गई आकृति में वर्ग कितने हैं काउंट करें दोस्तों, तो समझेगा तुरंत ही काउंट कीजिएगा, जल्दी से, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। सचिन जी कह रहे हैं 20 माइनस 3 17 आएगा, सर बिल्कुल सही बताया आपने, बहुत अच्छा। हां दोस्तों बताइएगा, थोड़ा जल्दी करके बताइएगा कितने आएंगे। मुकेश कुमार जी कह रहे हैं सर 17 आएगा, जी बिल्कुल 17 आएगा पीछे वाले प्रश्न का, इसका अपन काउंट करेंगे। देखो इतना मत सोचा करो आप, इतनी लंबी गणित मत लगाया करो इसमें। यहां पे 1 2 3 4 चार तो ये एक ही अपने पास बन रहा है, 5, फिर 1 2 3 4 और एक पूरा ये 5, 5 प्लस 5 सीधा सा करना है, 5 प्लस 5 यहां पे कितना होगा, 10 होगा। तो इसमें वर्गों की संख्या है वो अपने पास कितनी होगी, 10 होगी। सर अब कमेंट कर रहे हैं सारे 10 होगा सर, 10 होगा। सभी एक साथ करते हैं, देखो समझो इसमें बताओ कितने होंगे, तुरंत ही काउंट करो। वर्गों की संख्या है इसमें अपने पास कितने वर्ग होंगे, तुरंत काउंट करो इसमें। राधेश्याम जी कह रहे हैं सर बिल्कुल 10 होगा। अशोक प्रजापति जी कह रहे हैं 10 होगा। अशोक जी आज लेट आए, क्या बात है। मुकेश जी, मुकेश कुमार जी, हां इसमें काउंट करके बताइएगा दोस्तों कितने हैं। प्रियंका जी कह रहे हैं 10 आए हैं, आज कुछ लेट आ रहे हैं, क्या बात है, कुछ कैंडिडेट्स लेट आए हैं, क्लास का पता नहीं था क्या पहले आपको। अशोक जी कह रहे हैं हां सर क्लास का पता नहीं था। रीना जी कह रहे हैं 13 आएगा सर। अशोक जी कह रहे हैं 13 आएगा और मनीषा जी कह रहे हैं सर 13 आएगा। चलो देखिए दोस्तों सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। तो इसमें देखो 1 और 2 3, एक में 3 बन रहे हैं तो 4 भाग में 3 चौके 12 प्लस एक पूरा बड़े वाला वर्ग बन रहा है, तो 12 और एक कितना हो जाएगा यहां पे एक पूरा बड़ा, तो ये वाला मान जो आएगा वो अपने पास 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखो दोस्तों 3 तो ये बन रहे हैं 1 2 3 वर्ग, तो ये 4 कोनों में बन रहे हैं, तो 3 चौक 12 और एक 13, तो बिल्कुल 13 बन जाएगा इसमें। मुकेश कुमार जी बिल्कुल कह रहे हैं सर 13 आएगा। राधेश्याम जी कह रहे हैं 13 आएगा। अशोक प्रजापति जी कह रहे हैं 13 आएगा। रीना जी कह रहे हैं 13 आएगा बिल्कुल। चलो दोस्तों इसमें बताओ कितने वर्ग आएंगे। हाँ दोस्तों बताइएगा कितने आएंगे, कंफ्यूजन मत होना। देखो कैसे काउंट करेंगे दोस्तों, इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले पंक्ति और स्तंभ काउंट कर लेता हूं मैं, पंक्ति और क्या कर लेता हूं स्तंभ। देखो मैं इसको थोड़ा सा अलग बना के आपको बताता हूं, आप इसमें कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि सर हम कंफ्यूजन हो रहे हैं इस टाइप का दे दिया, तो कंफ्यूजन होने की कतई आवश्यकता नहीं है। देखो ये नीचे वाला डायग्राम तो ऐसा ही है और इसमें अभी अपन ने काउंट किए थे कितनी पंक्ति है, देखो 1 2 3 4 चार पंक्ति, चार स्तंभ होते हैं तो 30 होते हैं वर्ग, 4 चौक 16, एक पंक्ति और एक स्तंभ कम कर देते हैं, 3 3 9, 2 × 2 ये अपने पास 4
एक इंटू एक, ये आपके पास एक, 16 और 9 25, 4 29 और 1 30, 30 तो यही हो गए दोस्तों। अब 30 हो गए तो 30 तो ये यहां पे नीचे वाले हो रहे हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों, 31वां ये वाला हो जाएगा, 32वां वर्ग ये वाला हो जाएगा, 33 ये वाला हो जाएगा और 34 ये वाला हो जाएगा और एक पूरा बड़ा ये वाला वर्ग है। तो इसमें वर्गों की संख्या टोटल आ रही थी दोस्तों कितनी आ रही थी, 35। देखो 30 तो ये अंदर वाले बन रहे हैं और 4 मैंने ये बनाए हैं, देखो यहां वाले बीच में ये जो 4 दिखाई दे रहे हैं ना तिरछे तिरेक वाले, तो 4 ये एक पूरा बड़ा बीच वाला, तो 35 इसमें बन रहे हैं। मुकेश कुमार जी कह रहे हैं बिल्कुल 35 आ रहे, महेंद्र जी कह रहे हैं बिल्कुल 35 आ रहे, बिल्कुल सही बताया महेंद्र जी आज आपने, लेट हो गए क्लास में, क्या बात है। नेक्स्ट, इसमें काउंट कीजिएगा कितने वर्ग आएंगे, राधेश्याम जी बिल्कुल 35 बताया आपने, हाँ भाई बताइए दोस्तों। कितने वर्ग आएंगे काउंट करके बताइएगा जल्दी, बहुत टाइम ले रहे हो आज। अठारह बता रहे हैं, देखो कुछ यहां पे समझेगा, इसमें सबसे पहले मैं काउंट करता हूं दोस्तों, तो ये अपने पास इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें वर्गों की संख्या काउंट करेंगे तो ये अपने पास 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, 3 इंटू 3 ये अपने पास हो जाएगा 9, 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 1 ये अपने पास इसमें तो आ जाएंगे बीच वाले भाग में, तो कितने आ जाएंगे 13 और एक यहां 9 4 13 और एक 14, इसमें तो अपने पास बन रहे हैं वो आपके पास बन रहे हैं कितने 14 बन रहे हैं और चार चारों कॉर्नर पे बन रहे हैं 15 16 और ये अपने पास 17 और ये वाला जो वर्ग बन रहा है वो 18, तो टोटल वर्गों की संख्या इसमें आ रही थी दोस्तों कितनी आ रही थी 18। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल सही बताया सभी ने। नेक्स्ट, इसमें वर्गों की संख्या बताएंगे दोस्तों आप काउंट करके, सिंपल सा है, इसमें भी कंफ्यूजन मत होना। देखो 1 2 3 4, 4 पंक्ति है, स्तंभों की संख्या 3 है, तो मैंने आपको बताया पंक्ति इंटू स्तंभ कर लो, पंक्ति इंटू स्तंभ, पंक्ति आपके पास 4 है, स्तंभ आपके पास 3 है, 4 इंटू 3 कितना 12, फिर एक पंक्ति कम कर देंगे एक स्तंभ कम कर देंगे तो 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 1 ये अपने पास 2, फिर 2 से तो 1 हो जाएगा और इससे 0 हो जाएगा, तो इसको अपने पास काउंट करने की आगे आवश्यकता नहीं है, ये 0 हो जाएगा मान, तो 12 प्लस 6 18, 18 और 2 कितना हो गया 20, तो ये हो गया। उसके बाद में भी वर्ग और बन रहे हैं दोस्तों, कौन से, ये अपने पास 21वां वर्ग बन रहा है, 22वां वर्ग बन रहा है और एक वर्ग और बन रहा है, ये बीच वाला पूरा बड़ा, तो ये अपने पास इसमें वर्गों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये अपने पास वर्गों की संख्या आपके पास प्राप्त होने वाली वो कितनी हो जाएगी 23, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2। नेक्स्ट समझिएगा, इसमें वर्गों की संख्या है वो बताइएगा आप कितनी होगी, हाँ भाई तुरंत ही कमेंट कीजिएगा। देखो इसमें तो सिंपल फॉर्मेट है, 3 पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं 2 3 4 5, तो आप क्या करेंगे पंक्ति इंटू स्तंभ करेंगे, पंक्ति इंटू स्तंभ करेंगे तो
तो तीन पंक्ति पांच स्तंभ है, पांच तीय 15 और 2 इंटू ये अपने पास आ जाएगा आपके पास 4, 8, 1 इंटू 3 ये 3 आगे 0 हो जाएगा, तो 0 से इंटू करने पर मान भी 0 हो जाएगा, तो 15 और 8 कितना हो गया भाई, यहां पे 23 और 3 26, तो इसमें वर्गों की संख्या टोटल कितनी आएगी 26 आएगी, तो यहां पे वर्गों की संख्या है वो आपके पास दोस्तों हो रही है 20, कितनी हो रही है 6। नेक्स्ट, हाँ इस आकृति में बताइए वर्ग कितने होंगे, थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा दोस्तों, कितने वर्ग आएंगे, देखो इसमें काउंट करेंगे ना तो सिंपल सा है समझेगा, ये अपने पास 1 2 3 4 और ये 5 वर्ग, तो ये बन रहे हैं 5, तो ये बन रहे हैं, फिर अपने पास यहां पे 5 वर्ग तो यहां से बन रहे हैं, आगे आप देखिएगा दोस्तों ये अपने पास 6 और 7, ये वाला अपने पास 8, ये वाला आपके पास 9 और ये पूरा वर्ग है वो अपने पास बन रहा है 10 और एक बन रहा आपके पास ये बीच में, कितने बन जाएंगे ये 10 प्लस 1 कितना बन जाएगा 11, फिर आगे अपने पास इसमें चलते हैं तो 5 और 5 10 और 1 11 बनेगा भाई, इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर मैं इसमें कर रहा हूं 1, इस आकृति के पास जो वर्ग बनेंगे उनकी संख्या टोटल कितनी है 11। नेक्स्ट कुछ प्रश्न है वो अपन करते हैं दोस्तों आयत के, इसमें वर्ग पूछेगा, इसमें आप सिंपल सा काउंट करके बता दोगे, देखो कैसे बताओगे, ये अपने पास एक वर्ग बन रहा है, फिर अपने पास दूसरा यहां पे, फिर तीसरा चौथा वर्ग बन रहा है यहां, चौथा एक पूरा 5 और 5 ही बाहर बनेंगे, तो इसमें आप काउंट करके बता दोगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं आयत में, इसमें भी आप काउंट करके बता दोगे, कैसे काउंट करोगे, पंक्ति और स्तंभ से काउंट करोगे, 2 तो पंक्तियां हैं और स्तंभ है 2 3 4, तो 2 × 4 ये 8, 1 × 3 ये 3 11 ये हो जाएंगे, फिर अपने पास दोस्तों आगे चलेंगे तो यहां पे ये वाला जो मान आ रहा है एक ये वाला बन जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा यहां पे 8 3 11, तो ये हो गए 12, ये 13 बन जाएगा, ये 14 बन जाएगा और ये अपने पास 15 एक पूरा बन जाएगा, तो इसमें आप वर्ग तो काउंट कर सकते हो, 16 बन जाएंगे यहां पे, ऑप्शन भी आ रहा है। नेक्स्ट आयतों की संख्या उसके बारे में अपन परिचर्चा करते हैं, पहले एक अच्छा घन का आ रहा है तो ये राजस्थान पुलिस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ भी है और पूछ भी सकता है दोबारा, इस टाइप के ये जो सीडी नुमा घन होते हैं इनमें घनों की संख्या अपन काउंट करते हैं, तो समझिएगा इसमें घन काउंट करते हैं, तो यहां पे दोस्तों अपन क्या करते हैं घनों की संख्या काउंट करने के लिए, देखो 1 2 3 इस मंजिल में 3 घन है, नीचे यहां पे इसमें 2 घन है, इसमें 1 घन है, तो अपन क्या करते हैं यहां पे मंजिल या फ्लोर बोल सकते हो इंटू घनों की संख्या करते हैं, मंजिल इंटू किसकी संख्या करते हैं घनों की संख्या है वो करते हैं, तो एक पहली वाली मंजिल में 3 घन है तो 3 को 1 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, दूसरी मंजिल पे दूसरी फ्लोर पे 2 घन है तो 2 × फ्लोर की संख्या भी 2 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, और 1 घन है तीसरी मंजिल पर है 1 × 3 3, तो 3 और 4 7, 7 और 3 10, घनों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों 10 आएगी, बिल्कुल मनीषा जी का 10 आ रहा है, नंदलाल जी का बिल्कुल 10 आ रहा है। नेक्स्ट यहां पे इस आकृति में घनों की संख्या पूछी जाती है तो आप बताएंगे, देखो 1 2 3 4 घन है पहले फ्लोर पे, 1 2 3 घन दूसरे पे, 1 2 1 ये है, तो मंजिल इंटू घनों की संख्या पहले पे 4 है, 4 × 1 4 हो जाएगा, दूसरी पे 3 घन है, 3 × 2 6, 2 × 1 2 हो जाएगा, 1 × 1 तो 2 और 1 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, ये सॉरी यहां पे 1 × मंजिलों की संख्या यहां पे 4 हो रही थी,
एक इंटू चार और दो इंटू मंजिल थी आपके पास तीन, तो ये यहां पे छह। दोस्तों एक बार दोबारा देखना इसको, समझिएगा इसमें मैंने क्या किया है, यहां पे उसमें क्या था, देखो नीचे वाली मंजिल में यहां पे चार घन थे उस डायग्राम में, तो ये मैंने क्या कर दिया समझिएगा, चार इंटू एक चार, और फिर अपने पास, अच्छा सर वीडियो रुक गया, चलो नेक्स्ट अपन यहां पे आगे वाली कक्षा में अध्ययन करेंगे। ये वाला पार्ट तो पूरा है, इसमें केवल एक आयतों की संख्या गिनना है, उसके बाद में आप कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना पसंद करेंगे थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। हाँ भाई आवाज आ रही है क्या, आवाज तो आ रही है क्या, एक बार कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों बताइएगा आवाज आ रही है क्या, इसका मतलब आवाज तो आ रही है आपके पास। हाँ आगे आप कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें तो केवल एक आयतों की संख्या गिननी है। आवाज आ रही है सर, कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है, बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा देंगे राधेश्याम जी। तो कल अपन इससे आगे टॉपिक लेंगे, वो लेंगे दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग का लेंगे। इसमें एक थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है आयतों की संख्या गिनना, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है।